आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। डियर साथियों, UPCHO के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आई है। हर एक स्टेट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को दोस्तों बहुत ही अच्छी सुविधाएं स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन यूपी के लिए जो बड़ा अपडेट सामने आया है, यूपी में वेतन वृद्धि की बात हुई है। आप सबको पता है यूपी में जो बजट आया है दोस्तों, अब की बार जिस बजट में जो बात हुई है उसके रिगार्डिंग मैं आपको, जो बैठक हुई थी उसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो। क्या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स परमानेंट होंगे, इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है इसमें। और दूसरी बात, यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो सैलरी है, हर एक स्टेट में अच्छी सैलरी है, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए जो सैलरी है वो बहुत कम है, इसके रिगार्डिंग भी चर्चा की गई है। चलिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ डियर साथियों, आप खुद ही देख लीजिए। क्योंकि समय कम है तो संक्षेप में बात करूंगा। सीएचओज हैं वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। हर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वही काम करते हैं। गांव गांव में जहां पे पीएससीज और सीएससीज हैं, उन पे सीएचओ की तैनाती है। भारत सरकार का नियम है कि उनको 25,000 रुपए की सैलरी और 15,000 रुपए एक्स्ट्रा इंसेंटिव में दिए जाएगा। दूसरे स्टेटों में 25,000 से ज्यादा, एमपी में 30,000 से ज्यादा दे रहे हैं, और बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर उनके इंसेंटिव्स को और उनकी सैलरीज को एक साथ कर दिया गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो उनको सिर्फ 20,000 रुपए की सैलरी दे रहा है, जबकि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके रहते हैं और अपने घर, जो दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अपने घर छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 20,000 की सैलरी पे काम करते हैं। तो आपका 40,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो आपके गांव ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को देख रहे हैं, उनको सैलरी आप भारत सरकार के हिसाब से भी नहीं दे रहे। इंसेंटिव जो आप 15,000 रुपए दे रहे हैं वो उनको मिलता नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार है। 30-30% उसमें रिश्वत ली जाती है तब उनको इंसेंटिव मिलता है। ये है सीएचओ की हालत। और जो आपके आंकड़े हैं, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर रागनी जी को भी बोलना है, तो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि 25,000 पद स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े, और आपके 25,000 पद हैं उसमें से 12,000 बढ़े हैं, बाकी सारे पद खाली पड़े हैं। ऐसी स्वास्थ्य विभाग की हालत है, जब आपके पद ही खाली पड़े हैं तो आप क्या सेवाएं देंगे। और सर हालत ये देखिए कि जो ऑक्यूपेंसी है, हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी जो 2018 और 19 में जो बेड ऑक्यूपेंसी थी 98% थी, वो अब गिर के 70%। तो साथियों, जैसा आपने देखा इस वीडियो में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए स्पेशल चर्चा इसमें की जा रही है, और उसमें बताया जा रहा है समय कम है तो संक्षेप में बात करूंगा की जो सैलरी है वो कितनी है। सीएचओ है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, और सीएचओ को यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में। डियर साथियों, मैं आपको बताना चाहूँ, अब जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए बड़ा अपडेट आने वाला है उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि सैलरी बढ़ने वाली है या फिर इसको परमानेंट ही कर देंगे। क्योंकि इसको दोस्तों रीढ़ की हड्डी कहा गया है, एक आप सब सोच सकते हो नींव कहा गया है, हेल्थ सिस्टम की नींव जो बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को बेसिक जो होता है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं। हेल्थ सिस्टम की जो नीड है, बेसिक नीड है, वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं। क्योंकि गांव में ही वो स्वास्थ्य सेवाओं को इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इतना बड़ा योगदान हेल्थ सिस्टम में सीएचओज के द्वारा मिल रहा है, तो दोस्तों इनके लिए बहुत कुछ करना बनता है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है दोस्तों, इन्होंने जो बोला है वो बहुत सही बोला है, और उम्मीद है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए कुछ अच्छा होगा। आपकी क्या राय है इसके रिगार्डिंग, आप दोस्तों कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।